Assalamualaikum, welcome to the Science Star Tech. इस वीडियो में हम देखेंगे कि लैंड सरफेस टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है लैंडसेट 8 इमेजेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम लैंडसेट इमेज जो है जो आपको चाहिए होंगी, आपकी नीड होगी, वो आप डाउनलोड करेंगे। ओके, उसके बाद इस ट्यूटोरियल में हम लैंडसेट 8 का बैंड जो है 10 वो यूज़ करेंगे, जो कि थर्मल बैंड है, और 4 और 5 बैंड को यूज़ करेंगे फॉर NDVI calculation. NDVI stand for Normalized Difference Vegetation Index. उसके बाद सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ TOA, टॉप ऑफ एटमोस्फेरिक स्पेक्ट्रल रेडियंस। तो साथ साथ हम फार्मूला को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका फार्मूला ये है हमारे पास। ओके, टोटल हमारे पास 6 स्टेप होंगे, इंशाल्लाह ये बहुत ही इजी वे में होंगे। तो पहला स्टेप है टॉप ऑफ एटमॉस्फेरिक वाला, इसका फार्मूला ये है, जिसमें ML से जो मुराद है वो रेडियंस मल्टीपल बैंड है, QCAL से मुराद मीन के हमारा जो बैंड होगा बैंड 10 तो वो होगा, और AL मीन रेडियंस एट बैंड होगा। ये इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे जी? QCL मीन हमारा बैंड, वो तो हम ऐड कर लेंगे। ML और AL इनकी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो मेटाडाटा फाइल में है। मैंने ये मेटाडाटा फाइल ओपन की हुई है, तो इसमें बैंड 10 के लिए रेडियंस मल्टीपल बैंड 10 ये वैल्यू है इसकी, ये वाली, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। और AL मतलब रेडियंस एट बैंड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। ओके, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर में, ये ओपन किया हुआ मैंने। तो सबसे पहले मैं ये इमेज है मेरे, और मैं बैंड 10 जो है उसको ऐड करवा लेता हूँ। ओके, देन आर्क टूल बॉक्स, देन स्पेशल एनालिस्ट टूल्स, देन मैप अलजेब्रा एंड रास्टर कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पर हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारे पास जो ML की वैल्यू थी वो ज़रा देखें हम कि 3.3420E-C04। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी, 0.0003342, देन मल्टीप्लाई बैंड 10, तो हमारा बैंड 10 ये वाला। ओके, डबल क्लिक किया इस पे मैंने, देन प्लस, और हमारे पास AL की वैल्यू थी 0.1। अब इसको आउटपुट देंगे हम।
और मैंने यहाँ एक न्यू फोल्डर आउटपुट के नेम से, ओके, इसको मैं नेम दे देता हूँ रेडियंस, RAD, ओके, देन ओके। ओके, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ब्राइटनेस टेम्परेचर कन्वर्जन का। उसका फार्मूला हमारे पास ये है और इसमें टू कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ K2 एंड द सेकंड वन इज़ K1। दीज वैल्यूज़ आर आल्सो इन a metadata file so these are values for band 10 and these are values for band 11 K2 value and K1 values okay these two we are using in tutorial ओके। L mean ये हमारी रेडियंस वाला जो बैंड होगा कन्वर्जन वाला हम वो यूज़ करेंगे। देन ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं इसको, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। चलते हैं, देन रास्टर कैलकुलेटर एंड K2 वैल्यू K2 values, okay. Copy this and paste. Log, double click, then K1 value. Copy this and paste over this band, okay, and plus 1 minus 273.15 we use 273.15 for conversion Kelvin to Celsius. If we not use this, then that formula that is convert in Kelvin. So we want temperature in Celsius, so we use this. So the formula is correct, okay, give output and brightness temperature, so I give the name BT, save and okay.
ये ब्राइटनेस टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है NDVI कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें बैंड 5 और बैंड 4 चाहिए होगा। ओके, तो बैंड 5 और 4 हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम NDVI कैलकुलेट करेंगे। तो ऐड करवा लेते हैं बैंड 4 एंड बैंड 5, ऐड, यस यस। सो बोथ बैंड्स आर एडिंग, देन गो टू रास्टर कैलकुलेटर एंड राइट अ फार्मूला ऑफ NDVI। द NDVI फार्मूला इज बैंड 5 माइनस बैंड 4 ओवर बैंड 5 प्लस बैंड 4। ओके, फ्लॉट बैंड 5 माइनस बैंड 4 और फ्लॉट बैंड 5 प्लस बैंड 4। ओके, गिव आउटपुट NDVI देन ओके। This is our NDVI. Then next step is calculate the proportion of vegetation. Okay, and the PV. Its formula is NDVI minus NDVI minimum or NDVI maximum minus NDVI minimum. So we find first of all NDVI maximum and NDVI minimum. So this value is NDVI maximum and this value is NDVI minimum. Its PV's formula is NDVI plus here is a minus, okay, and I'm writing here plus because the one minus is here and the other minus is here. Okay, minus minus plus, so I write plus. Here is also one minus is here and NDVI minimum value is minus one, so minus one and this minus, minus minus plus, so I write here plus. So I use this formula, raster calculator, square. So the formula is NDVI, that is NDVI plus 1 then over into 1 plus 1 close brackets, and that is PV I checked the formula and that is right. Okay, then okay.
So the PV is calculate. Our next step is calculate emissivity. The emissivity is formula is that is formula of emissivity, and these are constants. Okay, 0.004 and 0.986. These are two constants used in this formula. So I'm going to raster calculator and write here formula 0.004 multiply by PV plus 0.986. So recheck the formula. Okay, and give the output, that is emissivity denoted by E. So save and okay. The emissivity is calculate. Then our last step is calculate the land surface temperature, and so the formula is BT over 1 plus lambda multiplied by BT. BT is Brayton temperature, that is we calculated before. Then C2 lambda and C2. C2 is a constant there, and that's value is here 14388. Okay, and the lambda's values are for Landsat 4, 5 and 7 is 11.45, and Landsat 8 for band 10 is 10.8. so we use this band 10.8 value. Okay, go to raster calculator. Our BT is here, double click over into 1 plus into 10.8, that is lambda's value, multiply by BT over C2 value. C2 value is 14388, then log, multiply by log emissivity, that is E, double click here. Okay, then give output, that is our LST. Then save. I check the formula, BT over 1 plus. Okay, the formula is correct. Then okay.
ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आउटपुट, दैट इज LST. इफ वी रैंप कलर गिव ओके नाउ वी एक्सट्रैक्ट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो आई एड शेप फाइल, सो एड दिस शेप फाइल. ओके देन गो टू एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क. Give the input raster and input raster a feature mask. Okay, give the output. This is our AOI, area of interest, and save and okay. I close this also this and give its color and invert this. So that is our final result. Here is a high temperature where red color. Okay, so this is our tutorial on land surface temperature for Landsat 8 images. If you not subscribe our channel, please subscribe our channel and support us. Okay, thank you.